हे हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। एंड पता है आज हम क्या करने वाले हैं? वही जो मैं हर बार करता हूँ यार। मैं वैसे क्या करता हूँ यार यूट्यूब में? हाँ याद आया, मैं तो एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं आज तुम लोग को एक चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, सॉरी एक पोएम एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। और ये पोएम ना सच में तुम्हारे दिल को छू लेगा। अब वो सब बात को साइड में रखते हैं, इस वीडियो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो तुम लोग के लिए एक डेयर है, ठीक है? अगर तुम लोग 6 मंथ के अंदर अंदर इस वीडियो में 10K लाइक्स करवा देते हो, तो मैं अपना फेस रिवील कर दूंगा। और वो भी कोई पिक नहीं, सीधा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा, ठीक है? अब देखते हो पाता है कि नहीं, क्योंकि एक पोएम वाली वीडियो के लिए 10K लाइक्स 6 मंथ के अंदर करना थोड़ा डिफिकल्ट तो है। अब देखते हैं क्या होगा। चलो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सो हमारा पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट, और इसके जो पोएट है उनका नाम है पैब्लो नेरुडा। और पैब्लो नेरुडा का जो बॉर्न था वो 1904 में हुआ था, और उनका डेथ 1973 में हुआ। और वो इस पोएम के माध्यम से हम सबको ये बताना चाह रहे हैं कि लोगों को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए और खुद को एग्जामिन करना चाहिए, खुद के आइडियाज और फीलिंग को अच्छे से बैठकर केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए आज के दुनिया में। और वो बता रहे बस लोगों को खुद को एग्जामिन नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरे ह्यूमन बींग्स में भी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना चाहिए, ताकि वो इस जो हमारा जो वर्ल्ड है ना उसमें पीसफुली जी सके और रह सके। तो हमारा पोएम कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है। हमारे पोएट बोल रहे हैं कि चलो हम लोग सब मिलकर 12 तक काउंट करते हैं, और 12 तक काउंट करने के बाद सबके सब स्टिल हो जाएंगे, यानी कि शांत हो जाएंगे। और फिर वो बोलते हैं कि सिर्फ एक बार के लिए इस पूरे दुनिया के जितने भी लोग हैं, अलग अलग कंट्री में जितने भी लोग हैं, यानी कि फेस ऑफ द अर्थ का क्या मतलब, वो अलग अलग कंट्री के लोग, तो वो कह रहे इस अलग अलग कंट्री में जितने भी लोग हैं ना, सब बस एक बार के लिए पूरा शांत हो जाएं, और कोई भी अपना लैंग्वेज नहीं बोलेगा। मतलब इस पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, सब शांत हो जाएंगे, और कोई किसी भी टाइप का लैंग्वेज नहीं बोलेगा, सबके सब शांत रहेंगे सिर्फ एक सेकेंड के लिए। कोई भी अपना आर्म्स को यूज नहीं करेगा। आर्म्स का यहाँ पे दो मतलब हो सकता है, एक हमारा बॉडी पार्ट्स का जो आर्म्स होता है, और दूसरा आर्म्स का मतलब हो सकता है वेपन। फिर हमारे पोएट बोल रहे कि अगर ऐसा हो गया तो ये जो मूवमेंट होगा ना, ये बहुत ही ज्यादा एक्जॉटिक मूवमेंट होगा। एक्जॉटिक मतलब यूनिक और अट्रैक्टिव मूवमेंट। हाँ ऑब्वियसली अगर इस दुनिया के सारे लोग शांत हो जाते हैं और क्वाइट हो जाते हैं, तो वो मूवमेंट ऑब्वियसली अट्रैक्टिव तो होगा ही। फिर हमारे पोएट बोल रहे हैं कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रस एंड विदाउट इंजन। मतलब उस टाइम कोई भाग दौड़ नहीं होगा, कोई मशीन नहीं चलेगी, और हम लोग उस साइलेंस में सब के सब जितने भी लोग हैं ना, सब एक साथ हो जाएंगे। और ये सब कुछ ना एकदम अचानक से हो जाएगा। अगर हम लोग शांत हो जाते हैं, पूरे के पूरे लोग इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, तो ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, वो सब एकदम अचानक से हो जाएगा, सडन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पोएट ऐसा क्यों बोल रहे कि सारे के सारे एक हो जाएंगे। तो देखो जब कोई भी इंसान अपना लैंग्वेज नहीं बोलेगा, अपने अपने कंट्री का अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज, तो जब सब लोग शांत हो जाएंगे तो सब तो एक टाइप के होगा ना, इसलिए बोल रहे कि सब के सब लोग एक साथ आ जाएंगे, मतलब टुगेदर हो जाएंगे। फिर हमारे पोएट बोल रहे कि इस टाइम पे फिशरमैन वेल्स को हार्म नहीं करेंगे, यानी कि जो मछुआरे होते हैं ना, वो कोई भी वेल्स को हार्म नहीं करेंगे या फिर कोई भी एक्वेटिक लाइफ को हार्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब शांत बैठे हुए होंगे। फिर वो बोल रहे कि जो लोग सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं ना, मेहनत करते हैं नदी के किनारे, सॉरी समुद्र के किनारे जो सॉल्ट को इकट्ठा करते हैं, वो लोग रियलाइज करेंगे कि वो लोग ये सब काम करते करते अपने आप को कितना हर्ट कर चुके हैं, अपने हाथों को कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं। फिर हमारे पोएट बोल रहे हैं कि जो लोग भी ग्रीन वार्स कर रहे हैं, यानी कि नेचर के अगेंस्ट वार कर रहे हैं, हाँ वो लोग सोशल डेवलपमेंट के लिए ही कर रहे हैं, वो लोग बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दे रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मॉल्स बना दे रहे हैं, पर वो लोग आखिर कर क्या रहे हैं, एक्चुअली में क्या कर रहे हैं? वो लोग पेड़ को काट दे रहे हैं, इन्वायरमेंट को मतलब ख़त्म कर दे रहे हैं, और लास्ट में क्या होगा, अगर इन्वायरमेंट बचेगा ही नहीं तो हम भी नहीं बच पाएंगे, और लास्ट में हम भी मर जाएंगे। और पोएट ये भी बोलते हैं कि जो लोग वार विद गैस एंड वार विद फायर, मतलब गोली बारूद केमिकल ये सबसे मारपीट कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना, न्यूक्लियर वेपन, ये सबसे जो वार लड़ रहे हैं, ये सब लड़के भी क्या फायदा, अगर जीत भी गए तो हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए तो कोई सर्वाइवर रहेगा ही नहीं, तो ये सब वार जीत के भी क्या फायदा। फिर हमारे पोएट बोल रहे कि बस एक बार के लिए क्यों ना सब एक साथ क्लीन क्लोथ पहन के साथ में चले, एकदम ब्रदर जैसा, यानी कि इस दुनिया के जितने भी लोग हैं ना, सब कोई एक तरह का नहीं बट साफ कपड़े पहन के साथ में चले शेड्स में, यानी कि पेड़ के छांव में, और वहाँ पे जाकर कुछ ना करें, यानी कि बस अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, यानी कि अपने आप को समझें, और अपने साथ जो जितने भी लोग हैं ना उन्हें भी समझने की कोशिश करें, और मैचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन ह्यूमन बींग्स को बिल्ड करें, मतलब सभी लोगों के बीच में एक मैचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, ताकि कोई भी वार ना हो। फिर हमारे पोएट बोल रहे हैं कि मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, कि जैसे कि जो लोग भी ज़्यादा पावर में है, वो लोग को अपने से कम पावर वाले लोगों को या फिर अपने से कम पावर वाली चीज़ों को, जैसे जो मछुआरे थे वो वेल्स को मारते थे ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ कि अपने से कम पावर वाले लोगों के ऊपर राज नहीं करना,
चाहिए, उनके ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ कि वार्स को ख़त्म कर दो, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो लोग थोड़ा देर के लिए रुक जाओ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सबको मर जाने बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं किसी को मरने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस कुछ देर के लिए उन्हें शांत होकर अपने आप को समझने के लिए बोल रहा हूँ। फिर हमारे पोएट बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा सिंगल माइंडेड है, यानी कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम लोग बस अपने लाइफ को जिए जा रहे हैं, अपने काम किए जा रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता कि ये सब करके हमें लास्ट में क्या मिलेगा, इससे क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा दूसरों पे, हम लोग कुछ नहीं सोचते हैं, बस हम लोग बस काम किए जा रहे हैं बस जीने के लिए। फिर हमारे पोएट बोल रहे हैं कि अगर हम लोग सिंगल माइंडेड नहीं होते और कुछ देर के लिए साइलेंस में चले जाते तो हमें दो फायदा होता। सबसे पहला फायदा तो ये होता कि जो हम लोग अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं और बस अंदाजी काम किए जा रहे बिना ये सोचे कि उसका क्या फायदा या नुकसान हो रहा है, हम उस चीज को समझ पाते और जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ना उसे सुधार पाते। और फिर दूसरा फायदा क्या होगा, दूसरा फायदा ये होगा कि हम लोग जो मौत से डरते हैं ना वो डर खत्म हो जाएगा, यानी कि उसके बाद हमें मरने से डर नहीं लगेगा। किसकी वजह से? बस उस ह्यूज साइलेंस के वजह से, अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए बस शांत हो जाते हैं तो। बेसिकली पोएट यहाँ पे बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो साइलेंस है ना ये हमें हमारी सैडनेस से निकलने में हेल्प करेगा। फिर हमारे पोएट बोल रहे कि हमें अर्थ से एक चीज सीखनी चाहिए, यानी कि हमें धरती से एक चीज सीखनी चाहिए कि जो चीज मरा हुआ जैसा दिखता है ना, मतलब थोड़ा डेड टाइप का दिखता है, जैसे लोग अगर साइलेंट हो जाएंगे तो वो थोड़ा डेड टाइप का दिखेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग मर चुके हैं। फिर वो यहाँ पे पोएट यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तुम अर्थ के अंदर कोई सीड डाल दो, ठीक है, वो सीड तुम्हें मरा हुआ लगेगा, लगेगा कि जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, पर क्या होगा कुछ टाइम के बाद उस सीड से क्या होगा, प्लांट निकलने लगेगा, मतलब उस मरे हुए चीज से जो मरा जैसा दिख रहा है उस चीज से एक लिविंग चीज भी निकलने लगेगा और वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। और ये चीज हमें अर्थ से सीखनी चाहिए। यहाँ पे ओवरऑल पोएट बस एक ही चीज कहना चाह रहे हैं कि बस हमें खुद को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा शांति से बैठ के सोचना चाहिए और खुद को समझना चाहिए कि हम लाइफ में क्या कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं और कैसे सैडनेस से बाहर आ सकते हैं। और यहाँ पे पोएम खत्म हो रहा है, पर लास्ट लाइन में यहाँ पे पोएट ये कह रहे हैं कि मैं फिर से अब 12 काउंट करूंगा और तुम लोग बस शांत हो जाना और मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम लोग शांत हो जाके अपने आप को समझना, यानी कि तुम लोग शांत हो जाना और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, यानी कि समझ ही गए ना, खुद को समझना, खुद के फीलिंग्स को और अपने अंदर की भावनाओं को। यार समझ गए होगे, पूरा पोएम पढ़ा दिया और यहाँ पे पोएम खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको पोएम का एक्सप्लेनेशन पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड तुम लोग से मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, डेयर को याद रखना, डेयर मत भूल जाना।